स्वागत है। और आपको ये न्यूज वैसे तो मिल चुकी होगी, लेकिन मेरा बताना बहुत जरूरी था कि एनटीए ने आपके यूजीसी नेट की जो डेट सीट है वो दे दी है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी जो डेट है वो चेंज नहीं की जाएंगी, अब जो भी बताया जाएगा, जिस डेट को बताया जाएगा और जिस तरीके से पेपर हो रहे हैं, जैसे बीएड का एंट्रेंस हुआ उत्तर प्रदेश में और भी जो एग्ज़ाम हुए, उसके अलावा भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस हिसाब से अब जो डेट आई है वो 100% श्योर है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप ये डेट देख रहे हैं 16 से 18 सितंबर 2020 और दूसरा स्टेप रहेगा 21 से 25 सितंबर 2020। तो दो डेट इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके भेजी हैं, तो आपका 16 से 18 में होगा या 21 से 25 में। ये भी इन्होंने कह दिया है कि 15 दिन पहले लगभग आपको जो है वो बता दिया जाएगा, द डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर सेंटर डेट शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कॉमेंस अबाउट 15 डेज। तो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। तो आज 21 तारीख हो गई है, 21 अगस्त है, तो जाहिर सी बात है 1 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो ये जो एकदम से डेट वाला हिसाब किताब आपके सामने आया है, तो मुझे लगता है कि अब आपको जो धीरे जो स्पीड हो गई थी आपकी, वो आपको तेज कर लेनी चाहिए, और इस स्पीड को जब आप तेज करेंगे तभी शायद सफलता हासिल होगी। और हम लोग पढ़ते भी ज़्यादातर तभी हैं जब सिलेबस सामने होता है, डेट सामने होती है। और सिलेबस से मुझे याद आ गया कि सिलेबस के बारे में मैंने सब कुछ बताया है, और अगर सिलेबस में कुछ छूट रहा है, क्या पढ़ना ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, तो सिलेबस का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में मिल जाएगा, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो को देखकर जो छूटा हुआ है उसको तैयारी शुरू करिए। और जल्दी से अब तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, आपको वीडियोस और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन में। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से, जल्दी मिलते हैं आपको आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।